अपन ने टेली में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? हाँ, क्या क्या बच्चों? हाँ, तो आपने अनएक्रूड और अनएक्रूड इनकम को भी अब समझ लिया है। आपको एक्रूड अनएक्रूड इनकम में कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, बताओ? आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमको बता सकते हैं। कुछ पूछना हो एक्रूड अने अपन ने चार चीजों को समझा है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है पूर्व दत्त व्यय, और एक्रूड का मतलब होता है उपार्जित आय, अनएक्रूड का मतलब होता है अनुपार्जित आय। अब आप में से कौन बताएगा कि अनएक्रूड का मतलब क्या होता है? बताओ बच्चों, अनएक्रूड का मतलब क्या होता है? अनुपार्जित वेरी गुड, ये सही जवाब है। आप अनुपार्जित आय का मतलब क्या होता है बताओ। किया। बिल्कुल सही जवाब है। अनएक्रूड इनकम ऐसी आय होती है जो हमें एडवांस में प्राप्त हो गई है। अब आप बताओ, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? कौन बताए? अदत्त आदित्य व्यय। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है अदत्त व्यय। अब आपको बताना है कि अदत्त व्यय क्या होते हैं और और एग्जाम्पल। एग्जाम सर सभी एक्सपेंसेस जो कि अपन को देना बाकी होते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान अभी करना बाकी है या फिर देना बाकी है, वे सभी अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब आप बताओ एग्जाम्पल में कुछ। जैसे कि किराया देना बाकी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, किराया देना बाकी है, इसकी एंट्री क्या होगी? बाय किसे करेंगे, टू किसे करेंगे? किसे करेंगे? सर बाय रेंट अकाउंट टू अंडरस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग। फिर सर आउटस्टैंडिंग से बताओ क्या एंट्री होगी। वेरी बाय रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अब बताओ कमीशन देना बाकी है, इसकी एंट्री क्या होगी? बाय कमीशन अकाउंट टू अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, आपको उसको आउटस्टैंडिंग बोलना है, तो ये आपने बिल्कुल आपने बताया है। अब आपको एक्रूड अनएक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन सभी की एंट्री करना आने लगा है। किसी को नहीं आता हो तो हम सब पूछ लेना एक बार, हम बता देंगे आपको। बिल्कुल एक बार एक रूट की एंट्री करना बता देना। का मतलब होता है उपार्जित आय, ऐसी आय जो हमने अर्जित तो कर ली, मतलब कमा तो ली, पर हमको अभी मिली नहीं है, प्राप्त नहीं हुई, तो वो उपार्जित आय कहलाती है। उपार्जित आय जो होती है उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो इस तरह से होती हैं। जैसे अपन मान लेते हैं किराया मिलना बाकी है, तो जब किराया जब मिलना बाकी है तो अपन उसकी एंट्री को इस तरह से करेंगे, बाय एक्रूड रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट। किराया मिलना बाकी है मतलब ये होता है कि अपनी संपत्ति है, भविष्य में जब हमें कोई इनकम मिलेगी तो हमें भविष्य में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, जब भविष्य में हमें कुछ लाभ होने वाला है तो वो संपत्ति कहलाती है। उपार्जित किराया जो है ये अपनी संपत्ति कहलाएगा, अपन लिखेंगे बाय एक्रूड रेंट अकाउंट और टू में लिखेंगे अपन रेंट अकाउंट। जैसे कमीशन, कमीशन मिलना बाकी है तो अपन एंट्री इस तरह से करेंगे बाय एक्रूड कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। इस तरह से आप एक्रूड की एंट्री कर सकते हैं और ये आपकी अनएक्रूड की एंट्रियां हैं। जैसे
किराया एडवांस मिल गया या किराया अग्रिम प्राप्त हुआ। जब किराया अग्रिम प्राप्त होगा तो बाय कैश अकाउंट टू अन एक्रूड रेंट अकाउंट। कमीशन अग्रिम प्राप्त हो गया है तो अपन लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और टू में लिखेंगे अपन अन एक्रूड कमीशन अकाउंट। इस तरह से अपन एंट्री कर लेते हैं। तो बाय में आप लिखते हैं कैश या फिर जैसे भी आपको इनकम एडवांस मिली है वो माध्यम जो था कैश बैंक मतलब कैश फोन पे गूगल पे जो भी था। यदि कैश है तो कैश लिख देना, फोन पे गूगल पे होगा तो आप बैंक लिख देना। इस तरह से आप कर लिया करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके अब अपन देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री किस तरह से होती है। आउटस्टैंडिंग की एंट्री शायद क्वेश्चन लिखा नहीं पाया, चलो प्रीपेड की बता देते हैं। आउटस्टैंडिंग आपने बता दिया था वैसे भी। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री इस तरह से करते हैं अपन। बाय में लिखेंगे प्रीपेड और साथ में एक्सपेंसेस का नाम और टू में लिखेंगे अपन ने वो एक्सपेंसेस किस माध्यम से किया है। यदि हमने कैश किया है तो कैश लिख देंगे, चेक द्वारा किया है तो बैंक लिख देंगे, गूगल पे फोन पे किया है तो ही बैंक आप यहां लिख देंगे। कमीशन एडवांस दिया है तो बाय प्रीपेड कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। सैलरी एडवांस दे दी है तो बाय प्रीपेड सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस तरह से आप लिख देते हैं। तो ये अपन ने समझ लिया है। इसी प्रकार अगर आप आउटस्टैंडिंग की एंट्री देखना है तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। आप बाय में लिखते हैं एक्सपेंसेस का नाम और टू में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस का नाम। जैसे कमीशन देना बाकी है तो लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। ये अपन ने चारों प्रकार की एंट्रियों का एक बार में रिवीजन किया है। अब आप ये बताइए, आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करना आता है या फिर नहीं आता है? डेप्रिसिएशन की एंट्री करना आपको आता है या फिर नहीं आता? नहीं आता बच्चों। अच्छा कौन बता, नहीं। फर्नीचर पर ह्रास लगाया 10%, इसकी एंट्री क्या होगी? नहीं पता। देखो बाय में आप लिखेंगे हमेशा हाँ बिल्कुल सही है। जब भी आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करना होगी तो आप बाय में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू में लिखेंगे उन सभी संपत्तियों के नाम जिन पर डेप्रिसिएशन लगा है। जैसे फर्नीचर पर लगा है तो अपन लिख दिया टू फर्नीचर अकाउंट। मशीन पे लगा है तो लिख दिया टू मशीनरी अकाउंट। कंप्यूटर पे लग गया है तो लिख दिया टू कंप्यूटर अकाउंट। इस तरह से आप बाय में लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट और जिन जिन संपत्तियों पर ह्रास लगा है उन सभी संपत्तियों को आप इस तरह से टू में लिखते चलेंगे। आ गया बच्चों? यस सर। ये बच्चों वेरी गुड। इस तरह से आप एंट्री कर लेना डेप्रिसिएशन की। और अमाउंट कैसे लिखेंगे? आप इन तीनों के सामने जितना परसेंट लग रहा है इन पर डेप्रिसिएशन वो आप अमाउंट इनके सामने जो लिखेंगे तीनों के सामने उसका टोटल लगाकर आप लिख देना डेप्रिसिएशन अकाउंट के सामने डेबिट वाले पक्ष में। इस तरह से आप अमाउंट लिखेंगे। और इन तीनों का अमाउंट आएगा टू का मतलब होता है क्रेडिट वाले पक्ष। इन तीनों का अमाउंट आप लिखेंगे क्रेडिट वाले पक्ष में। ठीक है, आवाज अपन ने समझा। इसमें किसी कुछ पूछना है, पुराना कुछ पूछना है? सभी को एंट्री करना आ गया है? यस सर। कल समझेंगे। ठीक है बच्चों, सभी के लिए गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।